आज से कुछ ही महीने पहले भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने सभी को काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था, बिकॉज आकाश सिस्टम ने वो करके दिखाया था जो कि दुनिया में शायद किसी भी और मिसाइल सिस्टम के द्वारा अचीव नहीं किया गया था। आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा एक सिंगल अटैक में एक साथ साइमल्टेनियसली 4 एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसके बेसिस पे ये भी कहा गया कि हमारा जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है ये इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से भी एक बेटर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और आज दोस्तों एक और खुशखबरी सामने आई है विद रिस्पेक्ट टू आकाश मिसाइल सिस्टम, बिकॉज फाइनली अब इंडिया के द्वारा इसी आकाश मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी है ये आर्मेनिया को बेसिकली स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है कल ही सामने आई है, इंडिया टू कमेंस द डिलीवरी ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू आर्मेनिया, जो कि बाय द वे आकाश मिसाइल सिस्टम का पहला फॉरेन बायर भी यहाँ पे माना जा रहा है। नाउ ये वाली खबर बड़ी बन जाती है फॉर 2 मेजर रीजंस। नंबर 1 दोस्तों, ये वाली जो डील है ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये डील इंडिया ने साइन करी है आर्मेनिया में। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील ऑफ ऑलमोस्ट 6,000 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 700-750 मिलियन डॉलर के आसपास की डील आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं। एंड दूसरी बड़ी बात, ये भारत के द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही डेयरिंग कदम मैं यहाँ पे मानता हूँ, बिकॉज अजरबैजान एक नहीं दो नहीं पिछले एक साल में मल्टीपल टाइम्स ये वार्निंग दे चुका है इंडिया को कि आपको आर्मेनिया को हथियार सप्लाई नहीं करने हैं। अब अजरबैजान वार्निंग क्यों देता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इवन डिस्पाइट ऑल दोज वार्निंग्स इंडिया के द्वारा अभी भी आर्मेनिया को अपने वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, और बल्कि हम लोग आर्मेनिया के साथ नई नई डील्स को भी यहाँ पर साइन करते ही जा रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बताऊंगा आपको आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में, एंड ऑल्सो ये भी समझेंगे कि आखिरकार आर्मेनिया भारत से अभी भी हथियार क्यों ले रहा है, बिकॉज आज से 4 महीने पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता साइन हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो ये दशकों से चलता आ रहा विवाद है हम लोग इस विवाद को ख़त्म करेंगे। इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों GS कोर्सेज, साथ में CSAT, SA राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं आपके लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है, घर बैठ के तैयारी को शुरू करना है, तो उस केस में आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्विकली आपको बता दूं, पिछले साल दिसंबर 2023 की ये वाली खबर है, जब खबर सामने आई थी कि हमारी जानी मानी PSU कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा आर्मेनिया के साथ एक डील को साइन किया गया है, जिसके चलते हम 6,000 करोड़ में कुल मिला के 15 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेसिकली आर्मेनिया को सप्लाई करने वाले हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि इंडिया जल्दी ही इसकी डिलीवरी को स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिला के 15 के आसपास आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि आर्मेनिया को हम लोग भेजने वाले हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों आर्मेनिया इनको ऑर्डर कर रहा है, पहले हम लोग आकाश मिसाइल सिस्टम्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आकाश मिसाइल सिस्टम, जो लोग नहीं जानते आपको ब्रीफली बता दूँ, DRDO के द्वारा बनाया गया एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको कि 1980s में आपको याद होगा DRDO ने शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग पॉपुलरली IGMDP के नाम से जानते हैं। ये वाला
जो प्रोग्राम है इसी के तहत आपको मालूम होगा आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं इसी प्रोग्राम के तहत बनाई जाती हैं। एंड इसी के तहत हमने हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ पे विकसित किया था, तैयार किया था। ये हमारा पहला इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च कर सकते हैं। भले आप इसको टैंक से लॉन्च कर सकते हैं, भले आप इसको ट्रक से लॉन्च कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो हमने रेडार लगाया हुआ है वो भी हमारा जो रेडार है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडार है जिसको राजेंद्रा के नाम से जाना जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसकी जो स्पीड है इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और इसीलिए ये तेज़ी से आने वाले जो आपके मिसाइलें होती हैं उनको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। कहा जाता है कि यूएसए का जाना माना पेट्रियॉट मिसाइल सिस्टम से भी ज़्यादा बेहतर आकाश मिसाइल सिस्टम है क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एंड इवन ये भी कहा जाता है कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये यूएस के मिसाइल सिस्टम से बहुत ज़्यादा सस्ता भी देखने को मिलता है। और अब क्योंकि हम लोग इतनी आगे बढ़ चुके हैं 1980s के बाद, आज 2020 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें जो हमारा बहुत सारा कंटेंट है ये इंडिजिनस कंटेंट है जिसमें 82% के आसपास जो कंटेंट है वो हमें आकाश मिसाइल सिस्टम में इंडिजिनस ही देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार अर्मेनिया अभी भी हमसे हथियार क्यों खरीद रहा है जबकि 19 अप्रैल 2024 को एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क हिस्टोरिक डील साइन हुई थी जिसमें कि अर्मेनिया अजरबैजान ने समझौता किया था। अजरबैजान ने शर्तें लगाई थी कि अगर अर्मेनिया हमें 4 गांव वापस कर देगा जो कि बॉर्डर के आसपास थे तो उस केस में हम लोग जो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये वाला चल रहा युद्ध है, इसको हम लोग रोक देंगे। अर्मेनिया ने इस डील में हाँ कर दिया, उन्होंने कहा हम वापस कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों द प्रॉब्लम इज़ कि अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं अलीयेव, वो टाइम टू टाइम नई नई शर्तें लगाते रहते हैं। अभी उन्होंने जो रीसेंट नई शर्त लगाई है, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये वाले गांव तो अर्मेनिया वापस करेगा ही करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अर्मेनिया के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट करी जाए बिकॉज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि अजरबैजान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डायरेक्टली हैम्पर कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। किन प्रावधानों की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन अर्मेनिया ने ऑब्वियसली यहाँ पर ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना या ना बदलना ये हमारा इंटरनल मामला है, इसमें अजरबैजान हमें यहाँ पर टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता है। और यही प्रॉब्लम्स की वजह से अभी भी जो अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अजरबैजान के ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ है करंट यूएस गवर्नमेंट का भी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो टाइम टू टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी भी डिले ही किया जा रहा है जिसकी वजह से अभी भी अर्मेनिया इज कंटिन्यूसली बाइंग वेपन्स फ्रॉम इंडिया एंड नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, बाय द वे अर्मेनिया फ्रांस से भी भारी मात्रा में हथियारों को खरीद रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द आकाश मिसाइल सिस्टम, सो चूंकि अर्मेनिया के द्वारा अब पहली बार हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीद लिया गया है तो ऑब्वियसली ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए एंड हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत ही खास खबर बन जाती है। लेकिन साथ ही में अर्मेनिया के बाद अब ये भी कहा गया है कि ब्राज़ील और इजिप्ट के द्वारा भी इसी आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए अब जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे शोकेस कर दिया गया है। एंड ऑल्सो आपको बता दूं कि अर्मेनिया ये वाली मिसाइलों को तो अक्वायर कर ही चुका है, डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अर्मेनिया की तरफ से ये भी सामने आया है पिछले ही महीने कि वो लोग इंडिया की जो प्रहार और प्रलय मिसाइल्स हैं इनको भी अक्वायर करना चाहते हैं। यहाँ पर भी अगर ये होता है, ये वाला इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी शोकेस किया है, अगर ये होता है दिस विल प्रोबेबली बी इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस डील फॉर 2024 बिकॉज इसमें कहा जाता है कि ये जो प्रहार और प्रलय मिसाइल्स हैं कंप्लीटली इंडिजिनसली मेड मिसाइल्स हैं एंड ये वाला जो ऑर्डर होगा ये ब्रह्मोस का जो ऑर्डर जो हमने फिलीपींस को किया था उससे भी एक बड़ा ऑर्डर हो सकता है। इस पूरे टॉपिक को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी पिछले महीने, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के भी देख सकते हैं। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।